और ये सलमान के करीबी राजू दादा यहाँ पर हैं और उनके फैंस को देखने के लिए। सलमान खान आप देखें यहाँ पर, सलमान खान किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं और इसी पल का इंतजार उनके सभी फैंस को था जो पिछले दो दिनों से कई लोग लगातार। और सलमान खान अपनी बालकनी में आ चुके हैं, उनके साथ में शेरा है और उनके साथ में उनके चौथा कौन कौन उनके साथ में अभी यहाँ पर इस वक्त गणेश राजू दादा दिख रहे हैं, राजू दादा दिख रहे हैं और शेरा है जो उनके उनका साया है बेसिकली वो मौजूद है और पीडी पीडी भी दिख रहे हैं उनके दोस्त पीडी और ये अहिल अहिल है शायद ये अहिल अहिल को लेकर के आए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वो बहुत ही क्लोज अहिल का ये देखे सलमान अपने अहिल के साथ यहाँ पर है और अहिल भी काफी खुश हो रहे हैं। सलमान के चेहरे पर यह मुस्कुराहट आप देखिए और उनकी माँ भी आई है आज और पिताजी भी आए हैं यहाँ पर आज। जोटा सलीम खान और सलमान खान एक साथ बहुत कम दिखाई देते हैं। बिल्कुल आज तो आप अंदाजा लगा सकते हैं गणेश कि वो कितने खुश हैं और आज अपने बेटे के साथ एक बार फिर से बेटे को वापस पाने का जो की जो खुशी है वो जाहिर हो रही है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं तनाव जो उनके चेहरे पे था वही तनाव सलीम साहब और सलमान खान के चेहरे पर भी था, ऐसा उनके करीबी लोग कह रहे थे। अब जब सलमान घर आ चुके हैं तो माता पिता और सबसे छोटे सदस्य घर के अहिल के साथ सलमान खान यहाँ पहुँचे हैं, खड़े हैं और उनकी माता जी का चेहरा देखिए वो अपनी खुशी जो है वो छुपा नहीं पा रही, तबीयत भी शायद ठीक नहीं है उनकी। पिछले दो दिन से अगर मैं आपको बताऊं गणेश, अगर सलमान ने जेल में खाना नहीं खाया तो यहाँ पर उनकी माँ ने भी खाना नहीं खाया था, तो वो जो इंतजार है वो खत्म हुआ है और आप देख सकते तीन इन्होंने इशारा किया है, तीन तीन का क्या हम मतलब समझे, वैसे तो विक्ट्री बोलते हैं टू को, ये तीन का इशारा फैंस को घर जाने के लिए उन्होंने कह दिया है कि अब मैं आ गया हूँ अपने घर, आप भी अपने अपने घर जाइए। तो इस प्रकार की तस्वीरें हमने देखा सलमान खान के फैंस, कैसा लग रहा है आपको सलमान? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी सलमान भाई को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सुबह से यहाँ पे खड़ा हूँ सलमान भाई को देखने के लिए, सुबह से यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी सलमान भाई को देख के दिल में बहुत तसल्ली हो गई। सलमान क्या कहेंगी मैडम, आप भी बहुत खुश हैं? मैं भी बहुत सुबह से प्रार्थना कर रही हूँ सलमान खान के लिए। आप खाना खाओगे सर? खाना खाएंगे वो अपने घर पहुंचे, आप घर जाएंगे अभी? मैं तो नहीं खा जाऊंगा सर, भाई को बिरयानी ये कह रहे कि आज जाके मैं बिरयानी खाऊंगी। तो ये तस्वीरें सलमान खान के घर के बाहर की हैं और ये बॉलीवुड में जाना गए कोई कह रहा है यहाँ पर। और जोयता हमारे साथ हैं, ये तस्वीरें बहुत कम दिखाई देती हैं जहाँ सलीम साहब सलमान खान उनकी माँ वो खुद आते हैं और यहाँ आकर फैंस को वेव करते हैं। सलमान खान उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है फिर भी वो आई और अपनी खुशी छुपा नहीं पा रही थी वो। जी बिल्कुल, सलमा जो मम्मी है सलमान की वो बात नहीं करती है, मेरी कई बार उनसे बात हो पाई है क्योंकि मैं गणपति में उनके घर पर कई बार कवरेज के लिए गई हूँ, वो बहुत ही शांत इंसान है। लेकिन आज जो आज चेहरा गणेश आपने भी देखा उनका, वो एकदम से जो बेटे को मिलने की जो खुशी है वो उनके चेहरे पे थी। बेल पर हैं सलमान खान और उन्हें अभी कोर्ट में पेश होते रहना पड़ेगा, लेकिन बेटा जब घर पे आता है वापस तो उसकी एक खुशी अलग ही होती है। सदस्य अहिल भी था जो वेव भी कर रहा था। जी बिल्कुल, अहिल को पहली बार सलमान लेकर के गए हैं हम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वो हर शूट में अगर वो मुंबई में शूट कर रहे होते हैं तो अहिल को एक बार जरूर बुलाते हैं क्योंकि वो उनके साथ खेलना पसंद करते हैं, वीडियोस भी हमने कई बार देखा है। तो ऐसे में अहिल को वो यहाँ से जोधपुर लेकर के गए हैं और अहिल बाकायदा होटल के रूम में अपनी मम्मी के साथ मामा का इंतजार कर रहा था। तो पहली बार ऐसा हुआ है। जी एक मृत्युंजय से बात करना चाहूंगा मैं, मृत्युंजय विक्ट्री दो की सहन होते, विक्ट्री तो शायद नहीं कर पाते वो, तीन का उन्होंने इशारा किया, तीन का मतलब क्या हो सकता है? इस कहीं ना कहीं ये सलमान की अपनी अदा है, सलमान का अपना तरीका है और इसीलिए फैंस उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि वो अपने तरीके से लोगों का अभिवादन करते हैं। हमने लोगों को विक्ट्री साइन करते हुए देखा था एयरपोर्ट पर, जब सोनाली बेंद्रे जा रही थी मुंबई से तब उन्होंने क्रॉस फिंगर क्रॉस किया था, वो उनका तरीका था। सैफ अली खान ने इशारे में विक्ट्री किया था, उनके वकील ने विक्ट्री साइन किया था, लेकिन ये सलमान का
तीन फिंगर दिखाना, मुझे लगता है डबल विक्ट्री है। एक तो ये कि वो शायद कहना चाहते हैं कि उनकी कोर्ट में जीत हुई है अब जमानत मिलकर, तो सिर्फ अभी स्थाई जीत है। दूसरी उनके फैंस के लिए शाह कि शायद वो फैंस आप खुश रहते हैं इसके लिए। मैसेज देना चाहता आप बताओ, कुछ मैसेज देना चाहता। सबसे पहले सल्लू भाई का सलाम वालेकुम। आज जो इनको अल्लाह ताला ने जो इनको बाइज्जत बरी कराया है, इससे खुशी मैं क्या जानता हूँ, लेकिन इस सब फैंस से पूछ लो। ठीक है सर, सल्लू भाई के लिए, टाइगर भाई के लिए सैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वागत किया गया, सलमान खान अपने घर पहुंच गए और अब इंतजार जो इन सभी फैंस का खत्म हुआ है। सलमान भी आज सुकून की नींद अपने घर में अपने परिवार के साथ जो विदाता के सामने कुछ पल, और फिर आज शायद उन्हें नींद आ गई क्योंकि दो दिन जब वो जेल में थे तो शायद सो नहीं पाए थे, खाना ठीक से नहीं खाया था, तो आज वो सब बदल जाएगा। आज खाना भी ठीक से होगा, सब कुछ ही होगा। आज खाना बिल्कुल होगा क्योंकि दो दिन से सलमान ने खाना नहीं खाया था, बहुत ही मिनिमल चाय और बिस्किट जो उन्होंने सुबह 6:30 बजे ली थी। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।